तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जेबीपी सिद्धार्थ व्लॉग्स। तो दोस्तों अभी अपन चलते हैं, जो कि नवरात्रि का छठवां दिन लग चुका है। तो चलते हैं, जो कि समस्त जगह पे अब माता जी रख चुकी हैं। बिना वक्त जाया करते हुए अपन चलते हैं, जो कि हमारी बेलबाग की यूनिक थीम वाली माता जी वो भी रख चुकी। कल माता जी का आगमन हो गया और आज हमारी जबलपुर की महामाया कांजघर की माता जी का भी आगमन हो चुका है। सो बिना वक्त जाया करते चलते हैं और समस्त माता जी के दर्शन कराते हैं। समस्त पूरे जबलपुर की नहीं, मतलब जितनी अभी चलेंगे अपन यहाँ घमापुर से होते हुए कांजघर साइड से, मतलब जितनी हो सकेगी तो अपन कवर करके आपको दिखाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो चलते हैं सीधा, लेट्स गो। कि फूटा ताल बड़ा ही मोहल्ला में रखी गई है, देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, ये देखें कितनी सुंदर लग रही है। शेर इनके नीचे बैठे हुए हैं और ये है महामाई, और डेकोरेशन भी देखें कितना प्यारा हुआ है। प्यारी माता जी रखी हुई हैं, अभी डेकोरेशन चल रहा है, अभी म्यूजिक बंद हो गया इस वजह से मैं अभी बोल पा रहा हूँ। तो चलते हैं, थोड़ा पास से आपको दर्शन कराते हैं। जो कि दर्शन चौक गुरंदी में है, तो देखें आप पीछे जो महामाई रखी है, तो उस साइड में कैमरा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आप, जो कि अपने भरतीपुर में रखी हुई है महामाई, चलते हैं पास से आपको चल के महामाई के दर्शन कराते हैं। तो देखिए कितना भव्य डेकोरेशन हुआ है और माता जी बहुत सुंदर हैं। जो कि लाइटिंग का हुआ वो कितना प्यारा लग रहा है भाई, मतलब बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये देखिए अच्छा लग रहा है देखते हुए, मतलब भाई नवरात्रि हो, नवरात्रि की वाइब एक नंबर हो जाती है भाई। घूमने फिरने में एक तो मज़ा इतना आता है, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। साईं जो मंदिर है अपना घमापुर में, वहाँ की महामाई देखें आप भी, जस्ट आगमन हुआ है माता जी का, ये देखें। तो ये अपना घमापुर रोड, जो कि अंदर से पांडे हॉस्पिटल के अंदर से जहाँ आपको गणेश जी दिखा रहे एरोप्लेन वाले, वहीं पे देखें अभी डेकोरेशन चल रहा है। इधर से आपको पूरा दिखाऊं, वहाँ से आते हैं, ये एंट्रेंस है। तो चलते हैं पास से महामाई दिखाते हैं, अभी तो नहीं दिख रही।
माता जी का भी आगमन हो चुका जो कि अपने घमापुर रोड पर रखी जाती हैं। देखिए इस बार माता जी का रूप बहुत ही प्यारा आया। देखिए ये अभी तो लाइटिंग वगैरह नहीं लगी, जस्ट थोड़ी देर देखें आप ये दिख रहा होगा। तो अभी माता जी का आगमन हो चुका है, तो कल से आपको अच्छे से मतलब लाइटिंग वगैरह सेट हो जाएगी, फिर आपको अच्छे से दर्शन मिलेंगे। तो अभी आप देखिए थोड़े से सिनेमैटिक शॉट माता के। अब अपन चलते हैं जो कि यहाँ से जो कि अपने भाई का बगीचा साइड चलते हैं। देखिए वहाँ पर डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है, इसमें तो दिखा नहीं रहा है भाई क्योंकि कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो होगा इस वजह से वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन देखें अभी कमाल का भाई अच्छा लग रहा है देखने में मुझे। तो अब दर्शन करिए। ये देखें डेकोरेशन इधर का कितना गजब का हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। और पूरी जगह लाइटिंग मतलब पूरे में लाइट लगी भाई। पेड़ पौधों में भी देखेंगे तो उसमें भी लाइट है और इसमें भी लाइट मिल जाएगी आप। और लंबे राउंड में लगा है, यहाँ पे एक महामाई बैठी हैं तो रुकेंगे तो दर्शन करा रहे हैं आपको। ये जो कि महामाई रखी हुई है अभी जो कि सिंगार चल रहा है, रुकते हैं और देखिए जो कि ये अपने यहाँ पे अभी श्रृंगार का काम चल रहा है, मतलब थोड़ा जो फाइनल टचअप रहते हैं। और पीछे में बताया था लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ का भी आप डेकोरेशन देखें कितना प्यारा लगा। महामाई बहुत ही भव्य लग रही है, जो कि दो शेर हैं साइड में और बहुत प्यारी लग रही है महामाई। तो अपन सीधा चलते हैं जो कि शीतला माई चलते हैं, वहाँ से फिर कांच घर की भाई महामाया देखना अपन को, चलते हैं सीधा। आ चुके हैं आप जो कि कांच घर, जो कि ये काली जी रखी हैं। तो मैं क्या चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ सीधे। तो देखिए आप ये अपने सर्वोदय स्कूल के सामने रखी जाती हैं जो कि सर्वोदय की महारानी, बहुत सुंदर लग रही हैं इस बार भी महामंदिर। Oh, 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 oh
जो कि कांच घर आ चुके हैं भाई। इसके पहले आपने देखा सबसे ज्यादा मनमोहक प्रतिमा लगी है मेरे को भाई, कसम से क्या गजब प्रतिमा रखे हैं इन्हें इस बार। मतलब 9 कन्याएं हैं और माता जी उन्हें, मतलब वो जैसे आप कन्या खिलाते हैं घर में उस तरीके की थीम रखी गई। तो अभी हम आ चुके हैं जो कि कांच घर चौक में खड़े हैं, जो कि हम महामाया जबलपुर की महामाया माता जी दिखा रहे हैं आपको। चलते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। देखें 2024 की अपनी जबलपुर की महामाया जो कि आ चुकी हैं इस बार। माता जी पंचमी के दिन विराजमान हो चुकी हैं, जो कि देखें अभी लाइटिंग वगैरह नहीं हुई। और मैं एक बार आपको डेकोरेशन दिखाऊं अगर बाहर साइड का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखें आप चारों साइड से, अभी यहाँ लाइटिंग नहीं हुई है। माता जी अभी ही आज ही आई हैं, जो कि आगमन हुए समथिंग 3 से 4 घंटे हो चुके होंगे। ये थोड़ा पास से आपको चलते हैं दिखाते थे इस साल जो कि अपनी जबलपुर की महामाया, जो कि रूप माता जी का चेंज कर दिया गया है। और ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप, जो कि आप राक्षस की मुंडा देखेंगे, जो कि माता जी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। जो खप्पर वाला हाथ है वो ऊपर है। तो अभी जब लाइटिंग वगैरह हो जाएगी तो एक पर्सनल ब्लॉग अच्छे से आपको बना के दर्शन कराएंगे महामाई के। तो अभी चलते हैं, जो कि कांच घर की सेठानी जस्ट बाजू में रखी हैं, तो चलते हैं उनके भी दर्शन करा देते हैं। जबलपुर की महामाया देखिए आप। जो कि अपनी कांच घर की सेठानी, अभी तो भाई भीड़ नहीं है, तो चलते हैं महामाई के दर्शन कराते हैं आपको। और हर साल यहाँ पे जो कि बाल स्वरूप रखा रहता है माता जी का, तो चलते हैं आपको पास से दिखाते हैं। जो कि लाइटिंग है अभी नहीं दिख रहा है, तो आप दर्शन करिए सीधा। कांच घर मार्केट और ये रखी है महामाई। ये देखें, चलते हैं थोड़ा पास से आपको चलते हैं दर्शन कराते हैं। बहुत अच्छे ही लग रहे हैं महामाई। ये देखें जो कि अपने मंगल पराग मैदान में, जो कि देखें कितनी प्यारी महामाई रखी हुई है। जो कि इनका रूप देखें सबसे हटके दिख रहे हैं। देखें जो कि पीछे आप देख रहे होंगे जो उनका बैकग्राउंड बना है, जो कि और ये देखें जो कि यहाँ डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। पूरा मतलब जो मैदान है पूरा कवर कर दिए हैं डेकोरेशन से, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आपको थोड़े से पास से माता रानी के शॉट दिखाते हैं। तो देखिए आप देखें जो कि हमारे शंकर जी हैं, बहुत मनमोहक से लग रहे हैं, प्यारे से। और ये हमारे महामाई, सबसे पहले आप माता जी के चरणों के दर्शन करें। ये लीजिए हम जूम करते हैं जी, जो कि अपनी कहाँ मंगल पराग मैदान में महामाई रखी हुई हैं। ये देखें बहुत अच्छी लग रही है। जो कि कलर है माता जी का जो नीला कलर हैगा, और जो देख रहे होंगे मुंडों की माला वो भी अच्छी लग रही है। तो आप माता जी के, आप मैं सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, तो आप देखिए वो। तो दोस्तों इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो वीडियो को दीजिएगा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं इसी तरह की न्यू अच्छी धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ गाइस, जो भी और छूट गई होंगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करते हैं। सो बाय।